लोकसभा चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत और एसएसपी जनमेंद्र खंडूड़ी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव को लेकर की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर किसी नए मतदाता को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है तो 14 मार्च तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी ने ऐलान किया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और पूरे जनपद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में 60 से ज्यादा टीम अवैध शराब बिक्री और नकदी के अवैध लेन देन पर भी नजर रखेगी। और इसके तहत जो आदर्श आचार संहिता है वो जनपद में प्रभावी हो गई है कल 5 बजे से ही, और इसके एनफोर्समेंट के लिए धारा 144 भी लगा दी गई है। और इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया की बहुत अहम भागीदारी हमारे साथ होती है, और आप ये इसको इस तरह से लें कि हम चाहेंगे कि एज अ टीम हम काम करें, और आप इस पूरी प्रोसेस में इसको ट्रांसपेरेंट कराने के लिए, पारदर्शी चुनाव के लिए हमारी इसमें मदद करें। अभी थोड़ी देर में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपसे हो गई है, पॉलिटिकल पार्टी से भी बैठक है जिसमें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जितनी भी जानकारियां हैं, जो भी प्रतिबंध हैं, जो जो चीज़ें नहीं करनी हैं, वो सब हम उनसे भी साझा कर लेंगे। हमारी जो तैयारियां हुई हैं अभी तक इलेक्शंस की, नोडल ऑफिसर्स की हों, चाहे ईवीएम्स की हों, ट्रेनिंग की हों, इलेक्ट्रोल रोल की हों, ये सब मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। विशेष रूप से मीडिया के माध्यम से आग्रह है हमारी जो जनता है, जो हमारे वोटर्स हैं, कि इलेक्शंस में अभी बहुत कम समय है, तो यदि अभी भी किसी का नाम छूटा हुआ है तो प्रत्येक दशा में हमको हर हाल में 14 से पहले पहले बीएलओ के माध्यम से या तहसील में सीधे ज़रूर दे दें, क्योंकि उसके बाद अगर वो देंगे तो अगर हम उसको ले भी लेते हैं तो हम उनको फिर एपिक नहीं दे पाएंगे। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें और हमारी ओर से इसको प्रसारित भी करें। नियम साहब, जब चुनाव आचार संहिता शुरुआत तो सारी चीज़ें कही जाती हैं कि उसका पालन किया जाए, किस तरह से पुख्ता तैयारियाँ होंगी ताकि, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है शहर में झंडे पोस्टर सारे लगाम से बाहर हो जाते हैं, किस तरह से नियंत्रण करेंगे चुनाव तक? देखिए, इसमें आज की तारीख में सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया सिटीज़न को। अब जो हमारा अपैरेटस होता है मॉनिटरिंग करने का वो लिमिटेड होता है, एक विधानसभा में मान लीजिए 3 FSTs हैं, कुछ SSTs हैं, लेकिन पब्लिक सिटीज़न भी अपने आप इस पर विजिल रख सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सी विजिल के नाम से ऐप है, केवल फोटो खींच दें या कैमरे से हमारी रिकॉर्डिंग बना के तुरंत भेज दें तो एटलीस्ट कैद हो जाएगी। एक बार अगर वो कैद होगी तो मुझे उसका निस्तारण करना ही करना है। एक तो मैं चाहूँगा कि इसका प्रभावी हम इस्तेमाल करें ताकि इसका वायलेशन ना हो सके। सेकंडली, जहाँ पे भी लगता है कि वायलेशन हो रहा है तो जिस भी चीज़ में वायलेशन हो रहा है, तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है और साथ साथ हमारी IPC में भी, वो ऑफेंस के रूप में हम इनको दर्ज करेंगे ताकि इसका जो असर है, इसका जो डेटरेंस है, दूर तक सबको नजर आए। जिले में आपने खास क्या तैयारियाँ की हैं? देखिए, इसमें खास तैयारियों में इस बार हम चाह रहे हैं कि हमारे जो दिव्यांग जो मतदाता हैं, दिव्यांग भाई बहन, उनको हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो हमारे NCC के वॉलंटियर्स हों, नेहरू युवा केंद्र के हों, तो प्रत्येक को कुछ ना कुछ इसमें हेल्प मिले कि वो अपनी वोटर्स में डाल सकें। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि इस बार जो हमारी ऐसी मदर्स हैं जिनका छोटा बच्चा है साथ में, तो वहाँ पे हम छोटे से क्रश वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं ताकि धूप का समय होगा तो वहाँ पे बच्चा बनकर रह सके। सेना के उस निर्देश आ गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जो भी हों, उसको वो अपने पैम्फलेट्स में और अपने एडवर्टाइजमेंट्स में उससे प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल नहीं करें। सोशल मीडिया पे केवल हमको ये इंश्योर करना है कि सोशल मीडिया में जो भी प्रसारित हो कर दी गई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अब लागू कर दिया गया है तो उसी को हम फॉलो करेंगे। अगर कोई भी अगर गलती करता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करता है तो उनके खिलाफ IPC की धाराओं पे मुकदमे पंजीकृत होंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके खिलाफ उस पर भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, तो उनसे निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं। इसके अलावा जो वेपन्स जमा किए जाते हैं, जो लाइसेंसी शस्त्र जमा किए जाते हैं, तो वो 100% हम कोशिश करेंगे कि सारे हम शस्त्र जमा कराएं। केवल उन्हीं को इसमें छूट मिलेगी जो कि किसी बैंक के गार्ड हैं या कहीं पर गार्ड ड्यूटी पर तैनात हैं, उनको छोड़ा जाएगा, या इसके अलावा जिनको कि रियल थ्रेट है उनको हम एग्जेम्प्ट करेंगे। वो एग्जेम्प्शन भी केवल जब हम परमिट करेंगे तभी उस एग्जेम्प्शन का वो फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी अगर किसी तरीके की
विदाउट परमिशन गैदरिंग करता है तो उसके खिलाफ भी इसमें मुकदमे दर्ज होंगे। जहां तक निरोधात्मक कार्रवाई है वो लगातार चली रही है और ड्यूरिंग पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें भी हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तो निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा जो रंजिश रखने वाले लोग हैं और जो मिसक्रिएंट्स हैं उनसे भी हम उनको भी बाउंड डाउन करते हैं ताकि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। कितने लोग हैं अभी तक? जो टोटल नंबर ऑफ वेपन्स यहाँ पर हैं वो 9691 के करीब हैं। उसमें से लगभग 4000 वेपन्स अभी तक हमारे द्वारा जमा कर दिए गए हैं जो कि लगभग 45% के आसपास अभी तक जमा कर दिए गए हैं और आने वाले टाइम में इसको बढ़ाया जाएगा। एसएसपी साहब एक चीज, बेसिकली जो हमारी एफएसटीज हैं एसएसटीज हैं उनका नंबर इस बार काफी बढ़ाया गया है तो टोटल नंबर ऑफ जितने एसएसटीज हैं वो लगभग 33 के करीब एसएसटीज हमारी हैं। इसके अलावा एफएसटीज भी लगभग 31 के आसपास हैं। तो हम अगर देखें तो लगभग 60 टीमें पूरे जनपद में केवल यही देखेंगी कि कोई भी लिकर का, कैश का या वेपन्स का किसी तरीके से मूवमेंट ना हो। तो इस बार हमारी नंबर ऑफ टीम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कोई भी अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को अटेंड किया जाएगा और जल्दी से जल्दी अगर कोई शराब की भी तस्करी कर रहा है और शराब बांट रहा है तो उस पर भी तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। ये जो फोर्स की तैनाती है क्योंकि वो फोर्स का बड़ा डायनेमिक अभी वो है तो कुछ फोर्स हमको बाहर से मिलेगा जिसमें कि CPMF का भी कंपोनेंट होगा, होमगार्ड्स होंगे, PRDs होंगे। तो अभी राइट नाउ ये बता पाना कि कितना फोर्स हमको अवेलेबल होगा ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनपद में जो तैनात फोर्स है वो लगभग 2500 कॉन्स्टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा लगभग 150 सब इंस्पेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। इंस्पेक्टरों की संख्या लगभग 20 है। इसके अलावा जितने भी हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं जो कि इस जनपद में तैनात हैं वो सभी के सभी इलेक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाएंगे। CPMF का जो अभी तक हमको आंकलन मिल रहा है वो लगभग 14 कंपनी शायद हमको अवेलेबल कर दी जाएंगी, प्लस माइनस 10% हो सकता है लेकिन लगभग 14 कंपनीज का हम मान के चल रहे हैं। पूरा बेसिकली जो हमने अभी तक बांटा है वो 23 जोन में और 143 सेक्टर में पूरा अभी तक हमने डिवाइड किया है। और जहाँ तक वल्नरेबिलिटी की मैपिंग की बात है तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग अभी हमारी जारी है और जैसे जैसे समीकरण बनते रहेंगे क्योंकि अभी तक डिक्लेरेशन हुआ नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट लड़ेगा तो कैंडिडेट भी डिसाइड करते हैं क्योंकि कैंडिडेट कहाँ का रहने वाला है, कैसी उसकी आम सोहरत है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग अभी की जा रही है। ठीक।